हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलम्पियाड्स के साथ साथ NTSC, NSC, JS और PRMU की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके यहाँ पर 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम यहीं पर करवा रहे हैं, ताकि आप उनके अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। जिस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर सीरियस हैं, वहीं पर आपको जो है अभी तो आपको स्कूल एग्जामिनेशन में भी अच्छा करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम आपकी हेल्प कर रही है इसी काम में, ताकि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर भी इसी तरीके से बहुत ही अच्छी रैंक लेकर के आकर आप जो है क्वालिफाई हों। ओके, सो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको जो है पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पर इसी में ही आपका जो है स्कूल सिलेबस भी कवर अप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थोड़ा सा जो है एडवांस सिलेबस आता है, बट उसी के साथ साथ यहाँ पर स्कूल एग्जामिनेशन में थोड़ा बेसिक आता है ना। स्कूल एग्जामिनेशन में हम NCERT कंसीडर करके चलते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें जो है यहाँ पर थोड़े से हायर क्लासेस के टॉपिक्स को जो है टच करना होता है। ओके, सो यहाँ पर हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम आपकी हेल्प कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन सारे फैकल्टी मेंबर्स से आप अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, है ना, बढ़ते रहिए। यहाँ से पढ़ने से याद आया मुझे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर, और वी कैन सी दैट एयर अराउंड अस, है ना। इसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि एयर की कॉम्पोजिशन क्या है ना, एयर किस तरीके से हमारे यहाँ पर सराउंडिंग्स के अंदर प्रेजेंट है। एयर क्या है, अगर मैं बोलूँ एयर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मैटर, है ना। एयर भी क्या है, यहाँ पर मैटर है। और यहाँ पर एयर की कॉम्पोजिशन क्या है, एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है। एयर क्या है, अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ओके, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। एयर के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है मैक्सिमम। ओके, हायर परसेंटेज किसका है, यहाँ पर नाइट्रोजन का। और यहाँ पर कुछ रियल गैसेस, रेयर गैसेस जिन्हें हम बोलते हैं, है ना, रेयर गैसेस प्रेजेंट है, इनर्ट गैसेस और आइडियल गैसेस जिन्हें हम बोलते हैं, है ना, वो भी यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। बहुत बहुत कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, बहुत स्मॉल परसेंटेज है एज कंपेयर टू होल हम जो है वहां पर अगर देखें तो, है ना। और यहाँ पर इससे पहले हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर में कितनी तरीके की आपकी जो है यहाँ पर लेयर्स प्रेजेंट है, है ना। एटमॉस्फेयर यहाँ पर कितनी लेयर्स के अंदर क्या है, सब डिवाइडेड है। ओके, हमने देखा था कि पहले आता है आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और फिर यहाँ पर एक्सोस्फेयर। ओके, यहाँ पर 5 लेयर के अंदर आपका जो है एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ कुछ किलोमीटर्स पे, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखेगी। हर एक लेयर का अपना अपना काम है, और वहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर एटमॉस्फेयर या फिर जो भी हम कहें कंडीशंस क्या हैं, अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट लेयर प्रेजेंट है, और उसके अंदर एयर की जो है कॉम्पोजिशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है हमने एटमॉस्फेयर के बारे में बताया, और यहाँ पर हमने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ एयर एनिमल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक्वाटिक लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, ओके, और यहाँ पर हम बात करें किनकी, मैमल्स की, तो बर्ड्स की, इन सब के लिए एयर कितनी इंपॉर्टेंट है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग बींग को यहाँ पर एयर की जरूरत है फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे जो है जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा बड़ी आसानी से, तो वहाँ पर जाकर के आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस को भी आप देखें, और यहाँ पर आज इस लेक्चर को भी आपको जो है पूरा ध्यान से सुनना है। यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट साइकिल की हम बात करने वाले हैं,
ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस तरीके से टॉपिक्स आपके कवर अप होते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन अप कर सकते हैं। क्या करना होगा, पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप आप जहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसके बाद अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि फॉर क्लास सिक्स द ग्रुप लिंक इज TTB06। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करते हैं, आप वहां से हमारा DPB और सैम्पल मटेरियल बड़ी ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ वो मटेरियल अगर आपको यहाँ पर पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट। और हमारी वेबसाइट क्या है, दैट इज TalkingTextbooks.in। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, 1 मिनट आपका लूंगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वेबसाइट पर जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास सिक्स, ओके। और जैसे ही आप इसे चूज करते हैं, आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पैकेज देखेंगे, है ना, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। वहाँ पर आपने सैम्पल मटेरियल देखा, वो आपको अच्छा लगा और आपको चाहिए कि मुझे जो है और सब्जेक्ट्स का, यानी कि या फिर केमिस्ट्री का आपको क्या चाहिए, यहाँ पर फुल सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हम यहाँ पर आपको वो प्रोवाइड करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स का प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रॉपर मॉड्यूल आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर पूरी थ्योरी होगी सिस्टमैटिक ऑर्डर में, ओके। बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चंस भी होने वाले हैं, एक्सरसाइज पार्ट होने वाली है, और एक्सरसाइज पार्ट में यहाँ पर आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उसके अंदर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि एग्जाम टाइम में होता है, जब एग्जाम टाइम आता है तो बच्चे चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उनको करवाए जाएं, ताकि उनको आइडिया लगे, है ना, हम तो करवाते ही हैं, ओके। पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, पूरे कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको, बट होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमें पता लग जाए, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट हो जाए या फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है सेम आ सकते हैं, है ना, कुछ वर्डिंग्स कुछ यहाँ पर फिगर चेंज करके आपको वही क्वेश्चन दोबारा दे सकता है, ओके। तो वो आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, वो आपको मॉड्यूल के अंदर ही मिलेंगे, अलग से आपको कोई बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल ले सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा इस वाले पैकेज के अंदर, ओके। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं TTB एक्सपर्ट से। इसी के साथ साथ होमवर्क सबमिशन आपका रहेगा, इस मॉड्यूल में से आपको होमवर्क मिला करेगा, उस होमवर्क को आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, है ना। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी रहेंगे। भाई परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी आपकी, यहाँ पर जब आप क्या देंगे, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स रेगुलरली यहाँ पर अगर आप देते रहेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको जो है अपनी परफॉर्मेंस में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ओके। पीरियोडिक टेस्ट पेपर से आपकी यहाँ पर रैंक पता चलेगी, आपको मोटिवेशन आएगा, उससे आप अदर बच्चों से यहाँ पर कम्पीट करेंगे, ओके। आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर एक सराउंडिंग मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, आपको उस अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प होगी, ओके बेसिकली। तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर ये बड़ा वाला पैकेज, या फिर आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन अप करनी है, तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर सेकेंड वाला पैकेज, जिसके अंदर आपको यहाँ पर सिर्फ टेस्ट सीरीज गिवन है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आपको चाहिए कि मेरे जो है यहाँ पर सिलेबस पूरा कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, मुझे जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं द सेकंड वाला पैकेज, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके आप उसे चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। और उसके बाद आप यहाँ पर प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में जाते, अगर आपको इनकी प्राइस ज़्यादा लग रही है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन। और यहाँ पर आपको कूपन भी दिया गया है AMLIVE। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AMLIVE, आपको क्या मिलने वाला है, 30% का डिस्काउंट, ठीक है, 30% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे AMLIVE। और उसके बाद यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और थ्रू नेट बैंकिंग, ठीक है।
तो आप चाहे तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपका कुछ क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, कुछ पूछना है आपको सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, है ना, टेलीग्राम से रिलेटेड, यहाँ वेबसाइट से रिलेटेड, या फिर पैकेज से रिलेटेड, या फिर हमसे रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। नंबर आपको गिवन है 9549041111। नंबर बहुत सिंपल है, फटाफट से नोट कर लीजिए और अपने जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले, जैसा कि आपको पता है, हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। सो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूँ। ओके, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, कर लिया आपने, स्मार्ट आप हैं, घर बैठ के आप पढ़ रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपको यहाँ पर सिंसियर स्टूडेंट भी बनना है। ठीक है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए और फिर हम यहाँ पर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए ना, आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स की अगर मैं बात करूँ, तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल आज सीखने को मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा रेस्पिरेशन का आइडिया होना चाहिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, किस तरीके से इनहेल एक्सहेल करते हैं हम, ये थोड़ा बहुत अगर आइडिया आपको है इसके बारे में, तो आप यहाँ पर जो है अच्छे से इस लेक्चर को समझ पाएंगे। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर इस चीज़ों को, है ना, इन सारे यहाँ पर कीवर्ड्स को यूज़ करके आपको जो है अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, सो दिस इज योर लेक्चर फोर्थ ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर, दैट इज ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। नाउ सी दैट, ऑक्सीजन साइकिल क्या है, व्हाट इज ऑक्सीजन साइकिल। सी द कंटिन्यूअल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन एटमॉस्फियर एंड द वाटर, द प्लांट, द एनिमल्स एंड द मिनरल मैटर। ठीक है, ऑक्सीजन का कंटिन्यूअस एक्सचेंज होना किसके साथ, यहां पर एनिमल्स के साथ। ओके, एनिमल्स के साथ साथ यहां पर एटमॉस्फेयर के साथ, वाटर के साथ, प्लांट्स के साथ, मिनरल्स के साथ, ऑक्सीजन का यहां पर क्या होना, कंटिन्यूअल एक्सचेंज होना, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। ओके, हमने कॉम्पोजिशन के अंदर पढ़ा है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है यहां पर क्या, 78%। उसके बाद मोस्ट अबंडेंट, या फिर बोलें कि यहां पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है आपकी क्या, दैट इज योर ऑक्सीजन, है ना, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होती है, आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं यहां पर, ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है, तो सी थोड़ा सा जो है यहाँ पर टेक्निकल इशू है, पर घबराने की बात नहीं है, हम इसे जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पर सॉर्ट आउट कर देंगे। चलिए, तो सीधा ऑक्सीजन यहाँ पर रिक्वायर है हर किसी को, किसको, प्लांट्स को रिक्वायर है, एनिमल्स को रिक्वायर है, इसी के साथ साथ यहाँ पर इवेपोरेशन में, ओके, वाटर को रिक्वायरमेंट है। इवेपोरेशन की बात ना करें तो यहां पर एक्वाटिक लाइफ की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या रिक्वायर है, वहां पर भी ऑक्सीजन रिक्वायर है। ठीक है, एक्वाटिक लाइफ जो यहां पर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि वाटर के अंदर डिजॉल्व है क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिजॉल्व है, उसी वजह से यहां पर क्या करते हैं आपकी एक्वाटिक एनिमल्स जो है ब्रीद इन कर पाते हैं। ओके, अगर वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होगी तो वहां पर एक्वाटिक लाइफ बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एक्वाटिक लाइफ यहां पर प्लांट्स भी हैं उसके अंदर, एक्वाटिक प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स भी हैं। एनिमल्स किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, यहां पर उनके गिल्स की हेल्प से यहां पर क्या करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं। व्हेल और डॉल्फिन यहां पर बार बार सरफेस पे आती रहती है क्या करने के लिए, ब्रीद इन करने के लिए, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। ओके, तो सी यहां पर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट है, मैक्सिमम यहां पर फर्स्ट लेयर के अंदर, दैट इज इन द ट्रोपोस्फेयर,
सारे ही प्लांट एनिमल ह्यूमन बींग्स मिनरल्स कहां रहते हैं? दे लिव इन ट्रोपोस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर प्रेजेंट है क्या? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 21%। ओके, और इसी के साथ यहां पर प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स भी ब्रीद इन करते हैं। ओके, प्लांट्स भी उतनी ही यहां पर ऑक्सीजन लेते हैं, बट उससे ज्यादा वो क्या करते हैं, यहां पर प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट्स यहां पर क्या है? हमारे प्रोड्यूसर है। किसके? ऑक्सीजन के। प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर है। बाकी सारे क्या है? कंज्यूमर्स हैं। बाकी सारे ही यहां पर क्या है? कंज्यूमर्स हैं। यहां पर एनिमल्स को क्या चाहिए? एनिमल्स को यहां पर ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो एनिमल्स क्या हुए? यहां पर कंज्यूमर हैं। हम ह्यूमन बींग्स, हम भी क्या करते हैं? यहां पर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, ब्रीद इन करते हैं। ठीक है, तो हम भी क्या हुए? यहां पर कंज्यूमर्स हुए। ओके, हम ब्रीद आउट क्या करते हैं? यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है ब्रीद आउट करते हैं। ओके, तो यहां पर ऑक्सीजन, प्लांट क्रिएट ऑक्सीजन विद फोटोसिंथेसिस, अगर आपने पढ़ा हो, अगर आपको याद हो। ठीक है, अभी तक आपके शायद ये टर्म आया है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसको हम डिटेल में भी यहां पर डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यहां पर सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं, साथ ही साथ यहां पर ऑक्सीजन जो है प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो प्लांट यहां पर ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। उसके लिए उनको यहां पर जो है सनलाइट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वहां पर उनको हेल्प जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करता है? यहां पर हम रिलीज करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, यानी बाहर छोड़ते हैं, निकालते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट ब्रीथ ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से आपकी यहां पर ऑक्सीजन साइकिल जो है वो वर्क कर रही है। ठीक है, सो सी यहां पर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ओके, द परसेंटेज ओके, वन मिनट, सी नाउ सी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज ऑलमोस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, है ना। ऑक्सीजन प्रेजेंट यहां पर कितना है? ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%, है ना। एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है? 21% प्रेजेंट है आपका, दैट इज ऑक्सीजन, है ना। कॉम्पोजिशन में हमने जो है इसे डिस्कस किया था, 78% क्या है यहां पर परसेंटेज, अब तो आपको याद हो ही गई होगी, बार बार जो है ये यहां पर कॉम्पोजिशन यूज आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर 78% कितना है? यहां पर नाइट्रोजन और O2 कितना प्रेजेंट है? 21%। अब यहां पर सभी जो है ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, बट परसेंटेज जो है यहां पर क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है। किस में? एटमोस्फियर के अंदर। इवन दो इट इज बीइंग कंटिन्यूसली यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग, ऑक्सीजन के यहां पर और भी बहुत सारे यूज हैं। यहां पर रेस्पिरेशन एक टर्म है, रेस्पिरेशन क्या है? यही ब्रीद इन ब्रीद आउट करना। ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन जो है मोस्टली रिक्वायर होती है, है ना। रेस्पिरेशन हर कोई करता है, ओके, हम करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं। अब एनिमल्स में हम जो है सभी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, एक्वाटिक लाइफ हो गई, है ना, और इसी के साथ साथ जो भी रेप्टाइल्स हो गए आपके, है ना, तो सभी एनिमल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो सभी एनिमल्स क्या करते हैं यहाँ पर? दे रेस्पिरेट, ओके, दे रेस्पायर, ओके, रेस्पिरेशन सभी के अंदर होता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की यहाँ पर जरूरत है किसके अंदर? बर्निंग के अंदर। किसके अंदर? बर्निंग के अंदर। बर्निंग के अंदर आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है नेसेसरी। विदाउट बर्निंग, विदाउट ऑक्सीजन यहां पर बर्निंग जो है नहीं होगी, और विदाउट बर्निंग यहां पर हमारा फूड भी जो है प्रिपेयर नहीं होगा। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड वी रिक्वायर
व्हाट बर्निंग, और बर्निंग कब होगी, जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तभी आपकी वहां पर क्या होने वाला है, बर्निंग होने वाली है। ठीक है, नाउ सी यहां पर दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन, है ना। प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्लांट एनिमल ह्यूमन बींग्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे एज वेल एज ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, डे और नाइट, है ना, पूरे 24 आवर, ओके 24/7 यहां पर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते रहते। ठीक है, यहां पर प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, सभी कंटिन्यूसली यहां पर जब से उन्होंने लाइफ ली है ना, जब से वो यहां पर अर्थ पे आए हैं, जब से वो पैदा हुए हैं, व्हेन दे हैव टेकन बर्थ, वो क्या कर रहे हैं, यहां पर रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और जब तक वो यहां पर रहेंगे तब तक वो हमेशा क्या करते रहेंगे, रेस्पिरेशन करते रहेंगे। अगर रेस्पिरेशन उन्होंने छोड़ दिया तो वो भी यहां पर जो है नहीं रहते। ठीक है, किसी की डेथ होती है, सपोज आपने कहीं मूवी वगैरह में देखा हो, ओके, तो यहां पर कोई पिल्लो लगा करके उसे जो है यहां पर मार देता है, तो वो क्या करता है, उसकी ब्रीदिंग को रोक देता है। ठीक है, वो यहां पर रेस्पिरेट नहीं कर पाता, तो रेस्पिरेट नहीं कर पाता तो यहां पर क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन से ही आपकी यहां पर क्या है, लाइफ है। ऑक्सीजन से ही आपकी यहां पर क्या है, लाइफ प्रेजेंट है। ठीक है, तभी आप यहां पर क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी हाई ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम में यहां पर रेस्पिरेशन की रेट जो है, सॉरी फोटोसिंथेसिस की रेट, किसकी रेट, फोटोसिंथेसिस की रेट यहां पर जो है ज्यादा हो जाती है। ओके, ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट यहां पर क्या करते हैं, और ज्यादा जो है यहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आप देखें यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, प्लस यहां पर वाटर प्रेजेंट है, ओके, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका ग्लूकोज प्रेजेंट हो रहा है। क्या प्रेजेंट हो रहा है, ग्लूकोज यहां पर प्रेजेंट हो रहा है। इस ग्लूकोज से आपको क्या मिल रहा है, यहां पर एनर्जी मिल रही है, और साथ के साथ यहां पर ऑक्सीजन जो है आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये यानी कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं, दे प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहां पर इसके साथ साथ क्या होता है, यहां पर सनलाइट भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना, यहां पर क्या प्रेजेंट है, सनलाइट प्रेजेंट है। सनलाइट की हेल्प से यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहां पर किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, प्लांट जो है इससे अपना फूड बनाते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, सनलाइट की हेल्प से ही क्या करते हैं, वो यहां पर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, खुद के लिए खाना बनाते हैं, खुद जो है ग्रो होते हैं, है ना, नई नई लीव्स आती हैं और लीव्स क्या करती हैं, यहां पर इनका खाना बनाती हैं। ठीक है, एज अ किचन, है ना, इनकी लीव्स के अंदर क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है, और लीव्स के अंदर ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे कि यहां पर ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, ये अंदर लेते हैं अपने, ठीक है, उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और ऑक्सीजन जो है ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिससे कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेश रहता है। एनवायरनमेंट क्या रहता है, फ्रेश रहता है, हम जो है फ्रेश फ्रेश फील करते हैं। सुबह सुबह हम यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए गार्डन्स में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ आसपास आपके क्या प्रेजेंट है, ग्रीनरी प्रेजेंट है, प्लांट्स ही प्लांट्स प्रेजेंट है, तो मॉर्निंग में आपको यहाँ पर बहुत फ्रेश फील होता है, ऐसे लगता है बहुत फ्रेश जो है एनवायरनमेंट है, फ्रेश ऑक्सीजन है। दिन भर यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है, व्हीकल्स चलते हैं तो वहाँ पर दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, स्मोक वहाँ पर वो प्रोड्यूस करते हैं, तो स्मोक से क्या होता है, पूरा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, रात भर यहाँ पर ये क्या करते हैं, डे एंड नाइट यहाँ पर ऑक्सीजन जो है रिलीज करते रहते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं, है ना, बहुत सारे बात आपने सुना होगा कि जो है रात को वो क्या करते हैं, प्लांट्स सो जाते हैं, प्लांट्स भी क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, सोते नहीं है वो, वहां पर भी जो है
फोटोसिंथेसिस चलता रहता है, बट उसकी रेट जो है वो स्लो हो जाती है। यहां पर तभी आपके लिए लिखा है कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी हाई ड्यूरिंग द डे टाइम। नाइट को भी होता है लेकिन बहुत स्लो, है ना, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं रहती। जैसे ही वापस से सुबह दिन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो है सनलाइट आ जाती है, सूरज जो है दिख जाता है या फिर सनराइज हो जाता है कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट भी जो है वो बढ़ जाती है और प्लांट जो है ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी से आपका क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। एक और यहाँ पर हमने कहा क्या था कि बर्निंग में आपकी ऑक्सीजन यूज आ रही है। किस में यूज आ रही है, बर्निंग के अंदर। तो बर्निंग में ऑक्सीजन यूज आ रही है किस तरीके से, कोई भी फ्यूल है सपोज आपका, ओके, सपोज कोल हो गया, कार्बन हो गया, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं यहां पर, कंबशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंबशन। कोई भी प्रेजेंट, कोई भी यहां पर फ्यूल या कोई भी सब्सटेंस यहाँ पर बर्न हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंबशन बोलते हैं। उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, कंबशन। यहाँ पर क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंबशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंबशन, ठीक है। समझ आया आपको कि यहाँ पर बर्निंग में भी ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन और कहाँ कहाँ यूज आ रहा है, देखिए हमने यहां पर पढ़ लिया रेस्पिरेशन, प्लांट ईटन बाय एनिमल्स, ठीक है, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है। एक मिनट जो है सी नाउ सी दैट यहां पर क्या है, प्लांट ईट जो है, प्लांट आर ईटन बाय एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन स्टोर्ड इन एनिमल टिश्यू। यहाँ पर एनिमल टिश्यूज के अंदर जो है कार्बन क्या होता है, स्टोर्ड होता है। अब एनिमल वेस्ट और डेड एनिमल्स हैं कहाँ पर, यहाँ पर अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है, मिनरल्स प्रेजेंट है। तो जो भी यहाँ पर एनिमल वेस्ट होगा या फिर प्लांट वेस्ट होगा उससे भी क्या करना होता है, यहाँ पर डीकम्पोज, क्योंकि वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। टाइम के साथ साथ वो क्या होने वाला है, यहाँ पर डीकम्पोज होने वाला है, डिग्रेड होने वाला है, तो उसमें भी आपका जो है यहाँ पर ऑक्सीजन हेल्प करता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है यहाँ पर किसके अंदर, डीकम्पोजिशन के अंदर। डीकम्पोजर्स गिव ऑफ यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर किस में जाके मिक्स हो जाती है, आपके एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है, एयर के अंदर। यहाँ पर डेड प्लांट्स भी रहते हैं और एनिमल वेस्ट भी रहता है, डेड एनिमल्स भी रहते हैं, बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, यहाँ पर डीकम्पोज होते हैं, जिससे कि आपका ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है, है ना, खाद वगैरह होती है ना, तो वो सब यहाँ पर कैसे होता है, डीकम्पोजर्स के, तो डीकम्पोज किस वजह से होता है, ऑक्सीजन जब उनके अंदर मिल जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर चीज़ें क्या होती है, डीकम्पोज होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था कि ऑक्सीजन से आपके जो हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर फूड जो हैं बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, अगर आप उन्हें बाहर ऐसे खुले में रखें तो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक टर्म आप पढ़ोगे आगे चल के, है ना, हायर क्लासेस के अंदर, दैट इज़ ऑक्सीडेशन, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस में यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ऐड हो जाता है, तो उससे वहाँ पर वो चीज़ जो है क्या होने लगती है, खराब होने लगती है, ठीक है, डीके होने लगती है, डीकम्पोज होने लगती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कुछ कुछ केसेस में जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि रेस्पिरेशन एक वन ऑफ द यहाँ पर जो है इसका पॉइंट है कि जिसमें ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती है, बट कहीं कहीं पर इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने के हार्मफुल इफेक्ट हैं कि ये यहाँ पर क्या करती है, डीकम्पोज करती है चीज़ों को, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स में भी हेल्प आती है क्या आपकी, ऑक्सीजन। ये यहाँ पर डीकम्पोजर्स हो गए, एनिमल वेस्ट हो गए, ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। फिर प्लांट यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिससे कि वो अपना क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर होता है, और यहाँ पर वापस से ऑक्सीजन रिलीज होती है किसके अंदर, एयर के अंदर,
ऑक्सीजन रिलीज होती है कहाँ पर, एयर के अंदर, ठीक है। हम सभी क्या करते हैं यहाँ पर, रेस्पिरेट करते हैं सीधा। प्लांट प्रोड्यूसेस एंड रिलीज मच मोर ऑक्सीजन देन दे कंज्यूम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में वहां पर प्लांट क्या करते हैं, प्लांट भी कंज्यूम करते हैं क्या, ऑक्सीजन, बट उससे ज्यादा वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, प्लांट प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस यहां पर मच मोर ऑक्सीजन देन दे कंज्यूम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वो अपनी रेस्पिरेशन में जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा वहां पर क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड थस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज सफिशिएंट फॉर रेस्पिरेशन। और यहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट जो कि प्रेजेंट है कहां पे, एटमॉस्फेयर में, वो क्या है यहां पर, सफिशिएंट है फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। यहां पर चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, सभी के लिए यहां पर क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है कहां पे, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर थस इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यहां पर प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। यहां पर एनिमल्स जो है यहां पर अगर वो प्लांट्स ईट नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर बोलें कि अगर प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो है यहाँ पर ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही क्या है यहाँ पर, सारे जो है इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, ओके। सो यहाँ पर दे हेल्प, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन साइकिल। और ये सब किस में हेल्प कर रहे हैं, फॉर मेंटेनिंग द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल को पूरा मेंटेन करने में, यानी कि प्रॉपरली वो रन करती रहे, चलती रहे, इसी तरीके से, ठीक है, सब एक दूसरे की जरूरतें जो है पूरी करती रहें, और इसी से ही आपकी जो है यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल वर्क करती है इसी तरीके से, ठीक है। समझ आया आपको, ऑक्सीजन साइकिल किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है, ओके। नाउ नेक्स्ट सी दैट, यहां पर फोटोसिंथेसिस, जस्ट अ मिनट, सी यहां पर इन फोटोसिंथेसिस द प्लांट मेक देयर ओन फूड, ओके। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट जो है खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है, मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलोंग विद इट। उसके साथ साथ वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ये बात आपको यहां पर पता है। हम सभी यहां पर क्या करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, ये बात भी आपको पता है, ठीक है। नाउ प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और यहां पर वही बात की, बट दे प्रोड्यूस मोर देन दे कंज्यूम, दैट इज वाई वी से प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स ऑक्सीजन, और प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। प्लांट क्या है यहां पर, प्रोड्यूसर है किसके, ऑक्सीजन के, क्या है, प्रोड्यूसर, ओके। नाउ सी, इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। एनिमल्स जो है प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यहां पर बैलेंस जो है किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों ही क्या है, मेंटेन किए हुए हैं एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से यहां पर सारी चीजें जो है स्मूथली रन कर रही है। इसीलिए हम इनको जो है इंटरडिपेंडेंसी, ये जो है हमें शो करता है किसकी, प्लांट्स और एनिमल्स की, ओके। ऑक्सीजन साइकिल इज क्रिटिकल टू बोथ आर हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ आर एनवायरमेंट, है ना। हमारे लिए साथ की साथ ही हमारे एनवायरमेंट की हेल्थ के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ गई तो हम यहां पर जो है ब्रीथ इन नहीं कर पाएंगे, ओके। यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्रीथ करेंगे तो इट इज नॉट गुड फॉर आर हेल्थ, ओके। यानी अदर गैसेस, अदर ऑक्साइड जो है अगर हम यहां पर ब्रीथ इन करेंगे तो दे आर नॉट गुड फॉर आर हेल्थ,
ओके तो हमें क्या ब्रीद इन करना है यहाँ पर, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ पर प्लांट्स की हेल्प से ही मिलेगी, ठीक है। सो वी नीड इट फॉर रेस्पिरेशन, ओके, एंड द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ ऑक्सीडाइजेस द शुगर इन द फूड टू जनरेट एनर्जी। यहाँ पर जो ऑक्सीजन हमारी अंदर प्रेजेंट है, हम जो इनटेक कर रहे हैं, ये क्या करती है, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज करती है किसको, शुगर को, यानी ग्लूकोज को, ओके, उसका ब्रेक डाउन करती है और उससे हमें यहाँ पर क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है हमें, एनर्जी मिलती है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर इसी में ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होती है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर ग्लूकोज है आपका, ओके, तो ग्लूकोज आपका मिल रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी फूड जो आपने इनटेक किया, ये ग्लूकोज क्या है, ये आपका शुगर ही है, ठीक है। अब शुगर यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं तो जो है ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जा रही है, और लंग्स के थ्रू यहां पर किसके अंदर मिल रही है, ब्लड के अंदर, और यहां पर शुगर ग्लूकोज के साथ, वो उस ग्लूकोज को क्या कर रही है, डीकम्पोज कर रही है, और डीकम्पोज करके क्या फॉर्म कर रही है, एनर्जी फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है, एनर्जी, क्या फॉर्म कर रही है, एनर्जी फॉर्म कर रही है, ठीक है। यहां पर लिखे, नीचे दिख रहा है आपको अच्छे से, ठीक है, चलिए। तो एनर्जी फॉर्म कर रही है साथ के साथ जो है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर रिलीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर यहां पर जो है रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, और हमें क्या मिल रही है यहाँ पर, उससे एनर्जी मिल रही है, जिससे कि हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग हो रही है ना, सभी पार्ट में आपको ऑक्सीजन जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर ग्लूकोज जा रहा है, और उससे हमारी पूरी बॉडी में सेल्स को एनर्जी मिल रही है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल्स से मिलकर बनी हुई है, और उन सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकि वो यहाँ पर प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, ठीक है, बॉडी की पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्लूकोज मिल रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, डीकम्पोज कर रहा है, और यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर रहा है, उसे एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, ठीक है, समझ आया आपको, ओके, चल। नाउ सी ऑक्सीजन कहाँ कहाँ हेल्प हो रही है, ह्यूमन नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हम सभी को जो है ऑक्सीजन की जरूरत है ब्रीथ करने के लिए, ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। ऑक्सीजन इज नीडेड टू डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वो भी हमने जो है यहाँ पर अभी देखा, ठीक है, कि एनिमल्स और प्लांट्स और फ्रूट्स और लीव्स यहाँ पर क्या हो रही है, डीकम्पोज हो रही है, उसके लिए भी ऑक्सीजन जो है रिक्वायर है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर चीज़ों को क्या कर देती है, डीकम्पोज कर देती है, डिग्रेड कर देती है, डिके कर देती है, उसकी हेल्प से ही वहाँ पर क्या होता है, उनका डीकम्पोजिशन होता है। वाटर कैन डिजॉल्व, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन, एंड इट इज दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन दैट सपोर्ट्स एक्वेटिक लाइफ, है ना, यही ऑक्सीजन जो यहाँ पर वाटर के अंदर डिजॉल्व है, ये किसे हेल्प करती है, यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ को हेल्प करती है, ठीक है, बिना उसके यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ का जो है यहाँ पर उनका सर्वाइवल जो है वो क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। सो प्लांट्स यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं कौन, ह्यूमन बींग्स और यहाँ पर प्लांट्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स और साथ ही साथ यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, रिलीज करते हैं अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, वापस से कंज्यूम करता है कौन, प्लांट्स, जो कि क्या कंज्यूम करते हैं यहाँ पर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, है ना, तो प्रॉपर पूरा साइकिल बना हुआ है ना, सभी क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, प्रॉपर यहाँ पर साइकिल जो है रेगुलरली चल रहा है, ओके, हमें वहाँ पर जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें बस इतना सा काम करना है कि हम यहाँ पर क्या करें, डीफॉरेस्टेशन ना करें, है ना, अगर हमने बैलेंस बिगाड़ा, अगर हमने यहाँ पर क्या किया, नेचर को हार्म किया, यानी कि किसी तरीके से अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एनिमल्स को किल कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि हम डीफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम डीफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओके,
पेड़ों को या फिर अगर आप कट करोगे या फिर एनिमल्स को किल करोगे, दोनों से ही यहाँ पर नेचर का एनवायरनमेंट का बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। ओके, और अगर किसी एक की यहाँ पर क्वांटिटी कम हुई या फिर मान लीजिए पेड़ यहाँ पर अगर कम हो गए तो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करेगा, है ना, सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, है ना, हमें प्रॉपर ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट नहीं मिलेगा, किसका, ऑक्सीजन का। अगर आपने यहाँ पर एनिमल्स भी डिपेंडेंट हैं, एनिमल्स भी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, ओके, तो अगर आपने एनिमल्स को किल किया तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रिपेयर नहीं होगी, है ना, दोनों ही क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं, किस पे, एक दूसरे पे, ठीक है, तो दोनों का बैलेंस रहना ज़रूरी है, किसके अंदर, यहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। अगर प्लांट्स सपोज एक बार प्लांट्स को भी हटा दें, बट यहाँ पर सॉरी एनिमल्स को एक बार मान लीजिए हटा दें तो प्लांट्स का यहाँ पर रहना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंट रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स क्या है, हमें पता है दीज आर प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन, ओके, क्या है, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर हैं किसके, ऑक्सीजन के, O2 प्रोड्यूसर, और हमें यहाँ पर क्या करना है, नहीं करना है डिफॉरेस्टेशन, नहीं करना है डिफॉरेस्टेशन, एंड एक्सेस बर्निंग ऑफ फ्यूल कैन अपसेट द डेलिकेट बैलेंस। यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन और बहुत ज़्यादा फ्यूल का यूज करना, फॉसिल फ्यूल्स का यहाँ पर यूज करना हमारे एनवायरमेंट में जो है इस बैलेंस को बिगाड़ देगा, ठीक है, बैलेंस अगर बिगड़ा तो देयरफॉर यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड यूज फ्यूल इकोनॉमिकली, है ना, बहुत ही अच्छे से ज़्यादा फ्यूल वेस्ट ना करते हुए इकोनॉमिकली जुडिशली हमें जो है यहाँ पर फ्यूल का यूज करना चाहिए, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर एफॉरेस्टेशन होगा तो यहाँ पर बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा, बैलेंस क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है, समझ आया आपको। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है ना, जिससे कि एक्वेटिक लाइफ यहाँ पर उसे हेल्प मिलता है सर्वाइवल के लिए। मेटल ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होते हैं, आगे चल के आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, मेटल ऑक्साइड्स जो है मेटल फॉर्म करता है यहाँ पर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, ओके, और यहाँ पर ओजोन फॉर्म हो रही है, ओजोन हमें जैसा कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, हार्मफुल रेडिएशन से, सन की जो हार्मफुल रेडिएशन आती है उसे ये एब्जॉर्ब कर लेती है और वो हार्मफुल रेडिएशन हमारे अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाती, ठीक है, तो ये ओजोन लेयर हमें क्या कर रही है, यहाँ पर प्रोटेक्ट रख रही है, ठीक है, और यहाँ पर एनिमल्स रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं कौन, प्लांट्स, और जिससे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस है क्या, थोड़ा सा जो है यहाँ पर प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बहुत ही जल्दी से फटाफट से समझाना चाहूंगा, दैट इज यहाँ पर एक लास्ट प्रोसेस, हम इसे जो है ऐसे ही समझ लेते हैं, चलिए, तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइजेस फ्रूट, फूड, है ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, फूड जो है प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना, यहाँ पर एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ये C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज ही है, ठीक है, ये फॉर्मूला की फॉर्म में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, प्लांट क्या करते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो भी प्रेजेंट है, ठीक है, ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज करना किसका, ग्रीन प्लांट्स का, क्या, ग्लूकोज, है ना, और यहाँ पर जो है किसकी हेल्प से, CO2 वाटर और सनलाइट की हेल्प से, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी इनपुट, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये मैकेनिज्म है एनर्जी इनपुट करने का, है ना, प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, इसकी वजह से यहाँ पर फूड और ऑक्सीजन जो है प्रिपेयर होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, है ना, प्लांट्स यहाँ पर ग्रीनरी जो है रहेगी, है ना,
तो यहाँ पर प्लांट्स को भी जो है सॉरी एनिमल्स को भी यहाँ पर फूड मिलेगा, साथ ही साथ उनको ऑक्सीजन भी जो है मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट मिलके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि ये खुद का फूड भी बनाते हैं साथ के साथ ऑक्सीजन क्या करते हैं रिलीज करते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड फॉर ऑल, सभी को यहाँ पर खाना मिल रहा है, सभी को फूड मिल रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फूड फॉर लिविंग बींग्स। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन टू ब्रीद इन, ओके, ऑक्सीजन मिल रही है किसके लिए, ब्रीद इन करने के लिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन टू ब्रीद इन। ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स आपके यहाँ पर फूड प्रोड्यूसर होते हैं, है ना, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर, या तो दूसरे प्लांट के ऊपर रहेंगे, दूसरे एनिमल के ऊपर रहेंगे, क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, साथ ही साथ जो है वो क्या है, सनलाइट यहां पर जरूरी है। ठीक है, अंडरस्टूड, इसी की वजह से आपका यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन साइकिल जो है स्मूथली रन करेगा। ठीक है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर वेपर प्लस सनलाइट लेंगे, उससे क्या प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, और उस ऑक्सीजन को हम सब क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, और यहाँ पर इसी से ही हमारी लाइफ है, इसी से ही हम यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये पूरा साइकिल है, मेंटेन है, मेंटेनेंस चल रहा है, अगर आप इसे डिस्टर्ब ना करें, यानी कि यहाँ पर अगर आप ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे, प्लांट्स को कट करेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अंडरस्टूड, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में यहाँ पर जो है पेड़ लगाइए, है ना, पेड़ पौधे रखिए, ग्रीनरी रखिए अपने आसपास, जिससे कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट एटलीस्ट वो क्या रहे, फ्रेश रहे, है ना। ऐसे ही सभी अपने आसपास यहाँ पर पेड़ पौधे लगाएंगे या फिर ग्रीनरी रखेंगे, तो वहाँ पर उन्हीं को ही उससे क्या होने वाली है, हेल्प होने वाली है, उनका एनवायरनमेंट, उनके घर के आसपास का एनवायरनमेंट क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। ठीक है, उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है मिलती रहेगी। ओके, अंडरस्टूड, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके, और यहाँ पर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोस। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।